नमस्कार। इस वीडियो में हम चरक संहिता विमान स्थान व्याधि तृतीय विमान नामक सातवें अध्याय को पढ़ेंगे। इस अध्याय में कुल 32 श्लोक है, जिसमें दो प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। एक है गुरु वैदित लघु वैदित का सिद्धांत एवं दूसरा है कृमि रोग सिद्धांत। इस वीडियो में हम दो विषयों पर चर्चा करेंगे कि रोगाणिक विमान के पश्चात व्याधि तृतीय विमान क्यों बताया गया है, एवं गुरु व्याधित एवं लघु व्याधित के सिद्धांत के बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। इस अध्याय का प्रथम सूत्र है, अथातो व्याधित रूपियम विमानम व्याख्यास्यामः। इति ह स्माह भगवान आत्रेयः। अब इसके पश्चात अर्थात रोगाणिक विमान अध्याय के पश्चात व्याधित रूपीय विमान अध्याय की व्याख्या करेंगे, ऐसा भगवान आत्रेय ने कहा था। रोगाणिक विमान अध्याय में व्याधि के बारे में बताया गया और इस अध्याय में उस व्याधि से ग्रसित पुरुषों के बारे में बताया गया, इसीलिए रोगाणिक विमान अध्याय के पश्चात व्याधित रूपीय विमान अध्याय का वर्णन किया गया है। व्याधित पुरुष के बारे में जानना चिकित्सा के दृष्टिकोण से उपयोगी है, उसी तरह इसी व्याधित या इसी रोगी में उत्पन्न होने वाली कृमि के बारे में भी वर्णन यहाँ अपेक्षित था, जो कि इस अध्याय में बताया गया है। इह खलु द्वौ पुरुषो व्याधित रूपौ भवतः गुरु व्याधितः लघु व्याधितश्च। तत्र गुरु व्याधित एकः सत्व बल शरीर संपद उपेतत्वात् लघु व्याधित इव दृश्यते। लघु व्याधितो अपरः सत्वादीनाम अधमत्वात् गुरु व्याधित इव दृश्यते। तयोः अकुशलाः केवलं चक्षुषैव रूपं दृष्ट्वा अध्यवस्यन्तो व्याधि गुरु लाघवे विप्रतिपद्यन्ते। व्याधित पुरुष दो प्रकार के होते हैं, गुरु व्याधित एवं लघु व्याधित। गुरु व्याधित वे लोग होते हैं जिनको डिसीज बड़ी होती है, मीन्स डिसीज गुरु होती है, बट उनका सत्व बल और शरीर संपन्न होता है, अर्थात उनका मनोबल अच्छा होता है, शरीर बल अच्छा होता है एवं स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, जिस कारण से वे बड़ी डिसीज से ग्रस्त होने के बावजूद छोटी डिसीज से ग्रस्त है ऐसे प्रतीत होते हैं, मीन्स उनको लघु व्याधि है ऐसा प्रतीत होता है। और लघु व्याधित वे लोग होते हैं जिनको डिसीज तो लघु होती है, मीन्स उसकी डिसीज छोटी होती है, बट मनोबल शरीर बल एवं साथ स्वास्थ्य उनका श्रेष्ठ नहीं होता, जिस कारण से उनकी छोटी व्याधि भी बड़ी दिखाई देती है। केवल रोगी को देखकर यह निर्णय नहीं लिया जा सकता कि वह गुरु व्याधित है या लघु व्याधित है। जिस तरह चिकित्सा की दृष्टि से व्याधि संतर्पणोक्त है या अपतर्पणोक्त है, व्याधि स्वतंत्र है या परतंत्र है, यह इम्पोर्टेंट है, उसी तरह यह जानना इम्पोर्टेंट है कि रोगी जो है वो गुरु व्याधित है या लघु व्याधित है। चिकित्सक को गुरु व्याधित और लघु व्याधित का ज्ञान न हो तो वह भी चिकित्सा करते समय भ्रमित हो सकता है। गलत निदान के क्या परिणाम हो सकते हैं? किसी भी विषय का आंशिक ज्ञान संपूर्ण ज्ञान की समझ प्रदान नहीं करता है। जैसे कि यदि गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को हल्का रोग मानते हुए लघु संशोधन औषध दिया जाए तो वह दोषों को बाहर निकालने में विफल रह सकता है। इसी तरह जब हल्के से बीमार रोगी को गंभीर बीमारी मानते हैं और तीक्ष्ण संशोधन औषध देते हैं तो वह अधिक मात्रा में दोषों को शरीर से निकाल देगी और शरीर को क्षीण कर देगी। तो इस प्रकार गुरु व्याधित एवं लघु व्याधित चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसको जाने बिना चिकित्सा प्रारंभ नहीं करनी चाहिए।